Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम हमारी political and social life की जो book है उसका chapter number 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम था स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका कि health में आखिर government का क्या role होता है, स्वास्थ्य में सरकार किस तरीके का role निभाती है. ठीक है, तो बेटा हमने कल बात की थी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि भारत में बहुत अधिक मात्रा में डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी पर्याप्त लोगों तक क्या है इनका इलाज, इनके द्वारा जो सेवाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं. हम अभी तक भी हमारी सरकार सब लोगों को साफ पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा पाई है. हम इसी ही टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. हमने कल दो कॉलम पढ़े थे, कॉलम वन पढ़ा था और कॉलम टू. हमने कॉलम वन में पढ़ा कि हमारे देश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, लगभग 15,000 डॉक्टर हर साल तैयार किए जाते हैं और लगभग 2,217 जो भारत में हॉस्पिटल थे 1950 में, जिनकी संख्या बढ़ गई और सन 2000 में इनकी संख्या बढ़कर 18,218 हो गई थी. भारत में बहुत सारे चिकित्सा पर्यटक आते हैं यहाँ पर इलाज करवाने के लिए और भारत दवाइयों के उत्पादन में चौथे स्थान पर है. ठीक है, हमने ये सब बातें पढ़ी, लेकिन जब हम इसके दूसरा कॉलम देखते हैं फिर भी इसका दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है. मतलब स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब है कि इतने ज्यादा डॉक्टर होने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरीके से डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं. ठीक है बेटा, और उसके साथ साथ जो कि हॉस्पिटल तो बढ़ गए लेकिन अभी भी जैसे कि टीबी की बीमारी है, जितने केसेस उसके 1950 में आ रहे थे उतने ही केसेस आज भी आ रहे हैं. लोगों को साफ पीने का स्वच्छ पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा जिसके कारण उन्हें बहुत सारी संचारणीय बीमारियां लग रही हैं, जैसे कि हैजा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया. ये सब उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हो रहे हैं. इतना विकास हो जाने के बावजूद भी आज हम अपनी जनता को पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे. यह विरोधाभास स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है. मतलब हमने जो सरकार से एक्सपेक्ट किया था वो ये नहीं था, ये तो बिल्कुल उसका उल्टा है. हमारे देश में पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में हमारा देश असमर्थ हो रहा है. अब हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों के बारे में भी जानेंगे कि वास्तव में हमारी गवर्नमेंट लोगों तक ये सब सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रही है. सबसे पहले हम बात करते हैं हाकिम शेख की कहानी की. ठीक है, हाकिम शेख की कहानी हम पढ़ते हैं. बेटा देखिए, हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य थे, जो कि पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है. मतलब पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूरों का जो एक संगठन था उसमें जो हाकिम शेख थे उसके मेंबर थे. 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें गंभीर चोट आई. मतलब चलती ट्रेन से गिरेगा इंसान, चोट तो लगेगी. बहुत चोटें आई और उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी. उन्हें बहुत चोट सिर पर लगी थी, उनको हालत उनकी बहुत ही नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी. उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें उस हॉस्पिटल में भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहां पर कोई भी बिस्तर, कोई भी बेड खाली नहीं था. दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे, इसलिए वहां पर भी उनको एडमिट नहीं किया गया. इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में होने के बावजूद भी 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया. मतलब एक के बाद एक उन्हें 8 सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, लेकिन कहीं पर भी उन्हें एडमिट नहीं किया गया और वो 14 घंटे इसी क्रिटिकल कंडीशन में घूमते रहे, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया. और अंत में एक निजी अस्पताल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया और वहां उनका इलाज किया गया. उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया. जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार किया उनकी अपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख और PBKMS के ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया. मतलब इतनी क्रिटिकल कंडीशन होते हुए भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने उन्हें एडमिट नहीं किया, तो उनकी समिति ने और हाकिम शेख दोनों ने मिलकर उनके खिलाफ कोर्ट में फाइल
दर्ज कर दी, उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। ठीक है, तो बेटा हाकिम शेख की कहानी से हमें पता चला कि सरकारी हॉस्पिटल तो सभी के लिए थे, लेकिन फिर भी वहां पर हाकिम शेख को एडमिट नहीं किया गया। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अमन की कहानी की। अमन की कहानी के द्वारा हम जानेंगे कि गवर्नमेंट अस्पताल के बजाय जो सरकारी अस्पताल में अगर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसका खर्चा बहुत कम आता है, लेकिन वहीं यदि हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर बहुत अधिक खर्चा लगता है। देखिए एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, मतलब हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, पैसे की कमी नहीं है उनके पास, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा चला पाते हैं अमन के जो माता पिता है, लेकिन रंजन के माता पिता के पास काफी पैसा है। तो रंजन कहता है अमन से, अरे अमन बड़े दिनों बाद मिले, कहो कैसे हो। तो क्या कहता है अमन, मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। तभी रंजन कहता है, अच्छा मुझे भी वायरल हुआ था, मैंने भी इसी सोमवार से स्कूल आना शुरू किया है और मेरे डैडी तो मुझे किंग्स वे के एक नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहां पर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब दोनों स्टूडेंट है, अब जब दोनों को ही बुखार हो गया और जब अमन लौट कर आता है तो रंजन उससे पूछता है कि कैसे हो, तो वो बताता है कि मेरे पिता मुझे ऐसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए थे। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लग रहा था कि कोई 5 सितारा होटल है। वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो इतनी शानदार थी मानो कोई 5 स्टार होटल हो। डैडी कह रहे थे कि यह एक प्राइवेट अस्पताल है और यहाँ बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या है, जिन्हें लोग चला रहे हैं, कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी चला सकता है या लोगों का ग्रुप भी चला सकता है। और सरकारी हॉस्पिटल क्या है, जिन्हें गवर्नमेंट चला रही है। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपए देने पड़े और डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है बहुत अच्छा संगीत बज रहा था, सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग था। तो उसने बताया कि जब हम वहां गए तो रिसेप्शन पर सबसे पहले स्लिप कटी और उसके लिए मेरे पिताजी को वहां पर 500 रुपए की पेमेंट करनी पड़ी। वहां पर डॉक्टर को दिखाने से पहले ही बहुत मधुर एक म्यूजिक बज रहा था और साफ सुथरा हॉस्पिटल था, मुझे वहां पर बहुत अच्छा लग रहा था। डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे परीक्षण करवाने को कहा, वहां तो सब लोग इस तरह की बात कर रहे थे, सब लोग बहुत दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, ब्लड टेस्ट हुआ, उसने बातों ही बातों में मुझसे खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। मतलब वहां की नर्स भी बहुत ही मजाकिया थी और वो इस तरीके से पेशेंट को ट्रीट कर रही थी कि उन्हें अपने दर्द का एहसास ही ना हो। तो क्या कहा उस नर्स ने, क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है। तो इस तरीके से बात करते करते उसने कब रंजन का ब्लड ले लिया, रंजन को दर्द महसूस ही नहीं हुआ। वो कहता है, जब सारे परीक्षणों के बाद नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए, उन्होंने नतीजों को देखा और कहा सब कुछ ठीक है, मुझे तो सिर्फ वायरल हुआ है, सिर्फ वायरल बुखार है। और उन्होंने मुझे कई सारी दवाइयां लिख दी और आराम करने को कहा। क्या कहा डॉक्टर ने, हाँ तो छोटे जनाब यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफा लेनी है और सफेद वाली गोली सोने से पहले लेनी है, यह शरीर के दर्द के लिए होती है और यह एक सिरप है, डरो नहीं, सिरप मतलब एक लिक्विड दवाई है, तुम डरो नहीं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो बच्चे को ये सब बहुत ही फ्रेंडली लग रहा था, बच्चा भी खुश हो गया, उसने कहा धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ही सब कुछ ठीक लगने लगा है। कहते हैं, तुम्हें ये सारी बात बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था। अच्छा अब तुम कहो, रंजन अमन को कहता है, अब तुम बताओ कि तुम किस हॉस्पिटल में गए थे। वो कह रहे हैं, वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था, पहले तो अब्बा मुझे वहां, अब्बा मतलब उसके पापा, मुझे तो वहां ले जाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि वहां पर तो बहुत समय लगने वाला था। और सच में कितना समय लगा, हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए, वहां ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा और मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा, मतलब फीवर के कारण उससे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और वो अपने पिताजी के कंधे का सहारा लेकर खड़ा था। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच करने के लिए कहा। अब जब हम ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गए तो वहां पर फिर से एक लंबी लाइन थी और मुझे फिर से एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। वहां जांच के लिए जहां जिस रूम में खून लिया जा रहा था वहां तो बहुत ज्यादा भीड़ भड़क का था।
हम 3 दिनों के बाद, मतलब रंजन को तो तभी मिल गई रिपोर्ट, लेकिन अमन को जो रिपोर्ट थी 3 दिन के बाद मिली। और फिर हम वापस अस्पताल गए तो वहां पर कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी, तो वो तो मेरे बारे में जानती नहीं थी। उसने कहा इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ मुझे और इसके खून की रिपोर्ट जल्दी करो, जल्दी करो, क्योंकि वहां पर बहुत से पेशेंट खड़े थे, तो डॉक्टर को भी जल्दी हो रही थी। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं, इसे तो सिर्फ बुखार उतारने की गोली देनी है, बस और कुछ नहीं। अरे मेरा, फिर दोनों फ्रेंड्स बात करते हैं, रंजन कहता है मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयां दी और मेरे इलाज में 3500 रुपए खर्च हो गए, 3500 से भी ज्यादा। और अमन क्या बोला, कह रहे मेरा हॉस्पिटल, मेरे हॉस्पिटल में तो इलाज बहुत सस्ता था, वहां पर मात्र 150 रुपए में मेरा खर्चा हो, सारा का सारा खर्चा हो गया। और जबकि दोनों बच्चों को क्या हुआ था, वायरल बुखार, और उस ट्रीटमेंट से दोनों ही बच्चों का फीवर उतर चुका था। तो दोनों ही हॉस्पिटल में जो खर्चा हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि कौन सा हॉस्पिटल कितनी सुविधाएं प्रदान कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं की। सार्वजनिक और जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो क्या है, मतलब कि सरकारी और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। मतलब जहां पर रंजन गया, रंजन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया तो वो निजी स्वास्थ्य सेवा का केंद्र था, और जबकि अमन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया तो वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं थी जो सभी के लिए उपलब्ध थी। इसीलिए वहां पर लंबी लाइन लगी थी, क्योंकि वहां पर अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति जा सकता है, लेकिन निजी हॉस्पिटल में दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा आता है, तो वहां पर सिर्फ साधन संपन्न लोग ही जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके।